हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ग्रेटिट्यूड के बारे में, साइंस ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता का भाव। ये हमारे लिए किस तरह से काम करता है? एहसानमंद होने का भाव हमारे जीवन में खुशियों को लाने की शुरुआत कर देता है। हम देखते हैं इस प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, जीवन दिया है, प्राण वायु दी है, प्राण ऊर्जा दी है, हमें इस जहाँ में रहने का मौका दिया है। तो उन सब चीज़ों के प्रति जब हम भाव देखते हैं, प्रकट करते हैं अपना, तो उस भाव को हम कृतज्ञता का भाव कहते हैं। हम देखते हैं कि प्रकृति जो हमें जीवन जीने के लिए मौका देती है, तो हमारा कृतज्ञता का भाव प्रकृति के प्रति, इस ब्रह्मांड के प्रति जिसने अपनी ऊर्जा से हमें बनाया, क्योंकि हम इस ब्रह्मांडी ऊर्जा का ही एक हिस्सा हैं, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा से ही हम बने हैं, तो उसने हमें मौका दिया, तो उसके प्रति हमारा एहसानमंद होने का भाव, इस प्रकृति के प्रति जिसने हमें जीवन दिया, उस डिवाइन पावर के प्रति जिसकी कृपा पूरे संसार में और पूरे ब्रह्मांड पर है, उस देश के प्रति जहाँ पर हमें रहने का और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का मौका मिला, इस प्लेनेट के लिए, दिस प्लेनेट यानी अर्थ के लिए, पृथ्वी पर जीवन जीने का मौका मिला, उसके लिए, जिस परिवार में जन्म मिला, उन पेरेंट्स के प्रति, जिस परिवार के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति और सभी के प्रति, ये जब एहसास हमारे अंदर जागता है तो हमारे जीवन में खुशियाँ आने की शुरुआत हो जाती है और ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की शुरुआत हो जाती है। हमने सुना है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी हमारे जीवन में ग्रेटिट्यूड का भाव प्रकट होता है, एहसानमंद होने का, कृतज्ञता का भाव प्रकट होता है, तो हमारे अंदर से चिंता का, दुखी होने का भाव अपने आप गायब हो जाता है। एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, या तो चिंता का भाव, या दुखी रहने का भाव, या परेशानी, या फिर खुशियाँ। तो खुशियाँ तभी रह सकती हैं जब हम कृतज्ञ हैं। और न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है ग्रेटिट्यूड के बारे में कि एक ही परिस्थिति में ग्रेटिट्यूड के कारण एक इंसान को अवसर दिखाई देता है, अपॉर्चुनिटी, और दूसरे को मुश्किल, दिक्कतें, परेशानी। तो कृतज्ञता का भाव इस तरह से प्रकट करने के बाद में इस तरह से बदलाव कर देता है। एक फेमस राइटर है मेलोडी बेटी, वो कहती है कि ग्रेटिट्यूड हमारे जीवन को किस तरह से परिवर्तित करता है। वो बताते हैं कि कृतज्ञता का भाव जीवन की हर कमी को समृद्धि में बदल देता है, दुख को विजडम में बदल देता है, कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में बदल देता है, सपनों को विजन में बदल देता है। इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है थैंक्स करके, डॉक्टर रॉबर्ट इमोन जी ने, तो वो पुस्तक बतलाती है कि दिमाग का वह हिस्सा ग्रेटफुल होने की वजह से या ग्रेटिट्यूड को प्रकट करने की वजह से एक्टिव हो जाता है जो लोगों के साथ इंटरेक्शन करते समय, यानी सोशल इंटरेक्शन और ह्यूमन इंटरेक्शन में या ह्यूमन कनेक्शन में खुशियाँ महसूस करता है। हमारे दिमाग का वह हिस्सा पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है जिस खुशी को महसूस कर सकता है। ये इमोशनल कंट्रोल करता है इमोशंस को कि किस तरह से ये दर्द में भी आराम आपको महसूस कराता है। ये लेफ्ट ब्रेन को, राइट ब्रेन को, दोनों को कनेक्ट करता है। और यह ऐसा व्यक्ति जो कृतज्ञ रहता है, कृतज्ञता महसूस करता है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है, वो हमेशा खुश रहता है, चहकता है, खुश रहता है। ग्रेटिट्यूड एक ऐसी कुंजी है, एक ऐसा सीक्रेट है जो जीवन में खुशियों की सौगात ला सकता है। इसको लेके एक उदाहरण भी है। बचपन में आचार्य विनोबा भावे अपनी माँ को देखते थे दही जमाते हुए। वो अक्सर क्या करती, एक बर्तन में दूध लेती
और दूध में थोड़ा सा जामुन दही डाल देती और ईश्वर से प्रार्थना करती, हे ईश्वर अपनी कृपा बरसाना और इसको अच्छे से जमा देना, और वो रख देती। अगले दिन दही जम जाता और हर दिन ऐसा ही करती। वो बालक हमेशा देखते, एक दिन उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने पूछा, माँ मुझे एक बात आपसे जाननी है, ये बताइए कि दही को जामुन जमाता है या ईश्वर, और अगर ईश्वर जमाता है तो जामुन क्यों डालती हो, और अगर जामुन जमाता है तो ईश्वर को क्यों बोलती हो। तो माँ ने जवाब दिया कि बेटा जमाता तो जामन ही है दही को, लेकिन जामन को जमाने की शक्ति ईश्वर प्रदान करता है, ऊपर वाली शक्ति प्रदान करती है। तो ये उनके अंदर एहसान मंदी का या कृतज्ञता का भाव ही था जिसकी वजह से उनका ये एहसास था। हम जब भी देखते हैं तो हमें हजारों सैकड़ों उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। हम एक और उदाहरण देख सकते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य का नाम आपने सुना है, तो अर्जुन को उनके द्वारा शिक्षा लेने का मौका प्राप्त हुआ, तो अर्जुन उनकी देखरेख में शिक्षा ग्रहण करते थे और एक बहुत ही जबरदस्त धनुर्धर बने। उसी दरमियान में एकलव्य ने इच्छा जाहिर की गुरु द्रोणाचार्य के माध्यम से शिक्षा लेने के लिए, शिष्य बनने के लिए, और गुरु द्रोणाचार्य ने उनको मना कर दिया कि मैं राज शिष्यों को ही केवल शिक्षा दे सकता हूं। तो एकलव्य के अंदर ग्रेटफुल होने का भाव ही एक ऐसा था जिसकी वजह से उन्होंने मना होने के बावजूद भी, गुरुजी के मना करने के बावजूद भी उन्होंने उनकी मूर्ति बनाई और मूर्ति के द्वारा उनको प्रणाम करते रहे, उनके द्वारा शिक्षा लेते रहे और उस शिक्षा के लिए उनको धन्यवाद भी देते रहे। और आपने सुना भी होगा अंत में वो गुरु के पास स्वयं पहुंचे, गुरु द्रोणाचार्य जी के पास, और गुरु दक्षिणा देने के लिए कि मैंने आपसे शिक्षा प्राप्त की है तो मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो ये उनके अंदर कृतज्ञता का भाव ही था। और हमारे पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि एकलव्य एक अर्जुन के बराबर ही एक धनुर्धर बन के दिखाया उन्होंने अपने आप को, तो उनके ऊपर डिवाइन पावर का आशीर्वाद था। एक दार्शनिक हुए हैं रोमन के, सिसरो नाम से, वो बताते हैं कि कृतज्ञता जो है वो सारे गुणों की देवी है, उन्होंने सभी गुणों की देवी के रूप में उनको स्वीकार किया है। एक सदियों माने सेनेगल करके फुटबॉल प्लेयर हुए हैं, अफ्रीकन फुटबॉल प्लेयर हुए हैं, तो बहुत पैसे कमाते हैं वो, प्रति सप्ताह की उनकी इनकम अगर काउंट करते हैं तो करीब करीब 1,40,00,000 रुपए तक कमाते हैं एक सप्ताह में। अक्सर उनको कई जगह पर एक टूटे हुए फ़ोन के साथ देखा गया, जब भी वो ट्रैवल करते थे उनके हाथ में एक टूटा हुआ फ़ोन रहता था, उनकी स्क्रीन टूटी हुई थी। कई लोगों ने उनसे पूछा कि आप ये फ़ोन बदल क्यों नहीं देते, आपके पास तो बहुत पैसा है। तो उन्होंने बोला कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी कमियाँ देखी हैं, बहुत सारी गरीबी देखी है और बहुत कष्ट देखे हैं, मैं चाहूँ तो कई फरारियाँ, कई हीरा जड़े हुए फ़ोन और कई पर्सनल जेट खरीद सकता हूँ चाहे जब, ईश्वर की कृपा से मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन जो कृपा मेरे पे हुई है उस कृपा की वजह से मैं अपने लोगों का विकास करना चाहता हूँ और उनकी मदद करना चाहता हूँ, उनके बुरे समय में मैं अच्छा समय लाना चाहता हूँ, उनके लिए सहयोग करना चाहता हूँ, फ़ोन का क्या है, फ़ोन आज टूटा है मैं इसको ठीक करा लूँगा। तो ये उनकी कृतज्ञता का ही एक भाव था। हम देखते हैं कि जब हनुमान जी लंका जाते हैं समुद्र पार करके, जामन जी के द्वारा उनको उत्साहित करने के बाद में, उनकी ताकतों का याद दिलाने के बाद में, तो रास्ते में सुरसा मिलती है, सुरसा से उनका सामना होता है। सुरसा ने बोला कि तुम्हें जाना है लंका तो मेरे रास्ते में मैं हूँ और आप जा नहीं सकते। तो हनुमान जी ने ऐसा सुना, सुनते हैं हम, कि उनसे प्रार्थना की कि मुझे जाने दो, मैं सीता माता का पता लगाने के लिए जा रहा हूँ और लौटने के बाद तुम मेरे को खा सकती हो। लेकिन सुरसा नहीं मानी और उसने बोला कि मैं जाने नहीं दूँगी, मैं तुम्हें भोजन करने के बाद ही जाने दूँगी, भोजन करके ही मानूँगी। और सुरसा ने ऐसा सुनते हैं कि एक योजन का अपना मुंह बड़ा कर लिया। हनुमान जी ने
अपना शरीर का विकराल रूप धारण किया और दो योजन के हो गए। सुरसा ने भी दो योजन का अपना मुंह बड़ा कर लिया। हनुमान जी चार योजन के हो गए। सुरसा ने भी अपना मुंह चार योजन का कर लिया। हनुमान जी आठ योजन के हो गए, तो वो भी आठ, फिर वो सोलह योजन के, तो वो भी सोलह योजन, फिर बत्तीस योजन, तो बत्तीस योजन के, और हनुमान जी ने रूप धारण किया विशाल चौंसठ योजन का। सुरसा ने भी चौंसठ योजन का धारण कर लिया। हनुमान जी स्वतः ही बहुत सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, उसके मुंह में प्रवेश कर गए और प्रवेश करने के बाद बाहर भी आ गए। तो क्या अर्थ मिला हमें? हमें मिला कि जब आप विशाल हैं, जब आप ताकतवर हैं, जब आप बड़े हैं, समृद्ध हैं, तब आप छोटे हो जाइए। और छोटा होना आपको सचमुच में छोटा नहीं करता, आपकी कृतज्ञता का ही एक उदाहरण होता है। और उसके बाद वो आगे बढ़ गए। तो हम देखते हैं हमारे बिजनेस में, जब हम जिस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं, जिस अपलाइन के साथ ज्वाइन करते हैं, जिस अपॉर्चुनिटी में हमने काम करना शुरू किया है। तो मैं अपनी बताता हूँ, तो मैंने नरसिंह ग्रेवाल जी के साथ काम करना शुरू किया, तो मैंने हमेशा ही उनको बोलते हुए सुना है। वो बोलते हैं कि मेरे अपलाइन की टीम या सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की टीम, या फिर बोलते हैं कि मेरे टीम लीडर्स की टीम, कभी भी ये नहीं बोलते कि मेरी टीम, ये मेरी टीम इतनी है। और आप देखेंगे सेफ शॉप में बहुत बड़े अचीवमेंट है उनके, बहुत बड़े रिवॉर्ड हैं उनके, बहुत बड़ी स्ट्रांग टीम है उनके पास, उनकी टीम में बहुत सारे डायमंड्स हैं, कंपनी में एक तरफा उनके पास अचीवमेंट हैं, उसके बावजूद भी वो विनम्रता के साथ रहते हैं। कभी ये नहीं जताते कि मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस है, मेरी बहुत बड़ी टीम है, और मेरा ये मेरा वो नहीं करते। हमेशा लीडर्स को क्रेडिट देते हैं, या अपलाइन को क्रेडिट देते हैं, या सिस्टम को क्रेडिट देते हैं। तो ये कृतज्ञता का ही एक बेस्ट उदाहरण है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं और जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो रिलीजियसली हों, विज्ञान हो, साइंस हो, अध्यात्म हो, या बिजनेसमैन हो, सभी ने ग्रेटिट्यूड के महत्व को मान्यता दी है, इसको स्वीकार किया है। और इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस में हम जिनके साथ रह के काम करते हैं, तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, अपने सिस्टम के प्रति कृतज्ञता का भाव हमारे बिजनेस में चार चांद लगा सकता है। जैसे अपलाइन के साथ हम काम करते हैं, उनके साथ अगर जोड़ी बना के काम करते हैं और उनको क्रेडिट देते हैं, सिस्टम को क्रेडिट देते हैं, उनके प्रति एहसानमंद होने का या ग्रेटफुल होने का भाव अगर रहता है, तो हमारे जीवन में और हमारे बिजनेस में चार चांद लग जाते हैं। आप देखेंगे कि जब हम काम करना शुरू करते हैं, तो ग्रेटफुल हो भी क्यों ना, सचमुच में ग्रेटफुल होने जैसे हमारे लिए कई सारे उदाहरण भी रहते हैं। आप देखेंगे इस तरह का जीवन बदल देने वाला बिजनेस हमको मिला है, इसके माध्यम से हम जीवन बदल सकते हैं, इसे आप भी मानते होंगे। तो जब बदल सकता है, तो इस तरह के बिजनेस को देने के लिए कोई ना कोई माध्यम बना। ईश्वर स्वयं तो नहीं आएगा, लेकिन ईश्वरी शक्ति भी किसी न किसी के माध्यम से हम तक पहुंची और उन्होंने एक अवसर दिया, अपॉर्चुनिटी दी, तो और एक ऐसा परिवार का मुखिया दिया, हमारे अपलाइन और बिजनेस के परिवार का एक मुखिया के रूप में हमें अपलाइन दिया, जिनके साथ रह करके हम काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी किसकी दी हुई है? ईश्वर की दी हुई है, डिवाइन पावर की दी हुई है, इस यूनिवर्सल पावर की दी हुई है। तो उनके द्वारा हमें ये मिला है, तो ये उनका डिसीजन है कि उनके साथ काम करके हम आगे बढ़ें, उनके साथ जोड़ी बना के हम आगे बढ़ें। तो ऊपर वाले के किए हुए में हम क्यों अपना टांग अड़ाएं, क्यों अपना जबरदस्ती उसको अस्वीकार करें? जब उन्होंने इसके लिए अस्वीकार या अस्वीकृति नहीं दी, तो हम क्यों अस्वीकृति दें? तो उसको स्वीकार करना है, और स्वीकार करने के बाद में उनके माध्यम से जो मौका मिला है, शुरुआत में हमने जब बिजनेस को ज्वाइन किया, तो हमें तो कुछ भी नहीं मालूम बिजनेस के बारे में, ना रजिस्ट्रेशन करना, ना ज्वाइन कराना, ना प्लान दिखाना, ना फॉलोअप करना, ना इस बिजनेस की ABCD तक नहीं मालूम। लेकिन जिनके साथ रह करके हमने बिजनेस की ABCD सीखी, शुरुआत में हमने सब कुछ सीखा, तो उनके प्रति एहसानमंद होने का जो भाव है, वो क्यों ना प्रकट हो। जिस घर में जन्म लेते हैं, तो जिन माँ और पिता के साये में रहते हैं, तो वो चलना सिखाते हैं, दूध पीना सिखाते हैं, भाषा का सिखाते हैं, हर चीज़ सिखाते हैं। फिर वही माँ बाप एक दिन हमसे, हो सकता है ज्ञान में कम हो, नॉलेज में कम हो, आप बड़े अफसर बन जाते हैं, ज़्यादा एजुकेशन में आगे बढ़ जाते हैं, तो भी उनका महत्व कम नहीं होता, तो भी उनका महत्व हमेशा ही हमसे ऊंचा और बड़ा ही बना रहता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे बिजनेस में भी है। तो उनके प्रति एहसानमंद होने का भाव या कृतज्ञता का भाव अगर हम प्रकट करते हैं, तो हमारे बिजनेस में
डिवाइन ब्लेसिंग्स हमको मिलने की शुरुआत हो जाती है, और उतनी ही ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग्स या डिविनिटी हमारे ऊपर कृपा बरसाती रहती है। टोनी रॉबिन्स एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। तो एक बार उनको रास्ते में एक फिजी करके आइसलैंड है उस पर उनको जाना पड़ा, तो वहाँ पर वो फंस गए। तो देखा कि वहाँ पर कबीले वाले हैं उस आइसलैंड पे। तो आइलैंड पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, वो कबीले वाले लोग रहते थे, उनके पास ज़्यादा साधन नहीं थे, उनको भाषा का ज्ञान भी नहीं था, उनकी अपनी कोई लोकल भाषा थी, ये अंग्रेजी जानते थे। तो पता चला कि वहीं पर उन कबीले वालों में एक व्यक्ति है जो अंग्रेजी जानता है। तो उनसे इंट्रैक्शन हुआ, इंट्रैक्शन करने के बाद में जैसे तैसे वहाँ पहुँचे, वो लोग स्वागत करके लेके गए इनको, और वहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ों को बड़ा डीपली वॉच किया, समझा, देखा कि उनका जीवन बड़ा कष्टों से भरा हुआ है, उनके जीवन में साधनों की कमी है, अभाव है, समृद्धि नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं, अधूरापन है। उसके बावजूद भी सभी लोग नाच गा रहे थे, खुश थे, मगन थे। कबीले वालों ने उनको चाय ऑफर की, टोनी रॉबिन्स को, तो वो चाय भी उन्होंने नारियल के जो कवच होता है ऊपर का उसमें डाल के पी। उसके बावजूद भी वो लोग जश्न मना रहे थे, खुश थे। तो टोनी रॉबिन्स ने पूछा उनसे कि आप लोगों के पास तो बहुत सारे अभाव हैं, फिर भी आप इन अभावों को लेकर दुखी नहीं होते? तो जो व्यक्ति अंग्रेजी जानता था उसने जवाब दिया कि हमारी भाषा में दुख शब्द है ही नहीं, जो हमारी भाषा है कबीले वालों की उसमें दुख, परेशानी, कष्ट है ही नहीं। अगर हमें दुख जताना भी होता है तो हम ऐसे बोलते हैं कि आज मैं कम खुश हूँ, दुख वर्ड है ही नहीं, तो इसलिए हमारी भाषा में है ही नहीं। तो हम इसी तरह से एहसास करते हैं और परमात्मा की कृपा बनी रहती है, इसलिए इसको हमेशा प्रकट करना है अपने शब्दों में और अपने भावनाओं में, अपने एहसासों में। सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले थैंक यू गॉड, सुंदर सवेरा देने के लिए, शानदार जीवन देने के लिए। इस शानदार जीवन को देने के लिए अपने दिन की शुरुआत नहाने के बाद प्रार्थना से करें। प्रार्थना में बहुत शक्ति है और प्रार्थना की शक्ति हमारे जीवन में हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। तो प्रार्थना से शुरू करें, और प्रार्थना सिर्फ केवल अपने लिए नहीं, पूरे प्लेनेट पर, पूरे देश के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी टीम के लिए और अपने सभी चाहने वालों के लिए। तो उनके लिए सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य कामना करते हैं हम, तो ये डिवाइन ऊर्जा उनको तो प्राप्त होती ही होती है और उसका प्रतिफल हमको भी प्राप्त होता है, और हम भी उतने ही ज़्यादा प्रसन्न और खुश होते हैं और हमारे जीवन में और हमारे बिजनेस में भी चार चांद लगने की शुरुआत हो जाती है। हमारे बिजनेस में कृतज्ञता का भाव, अपलाइन के साथ साथ अपनी टीम के प्रति भी, कि ऐसा परिवार मिला जिनके साथ काम करने का सौभाग्य मिला। जब हम उनको ज्वाइन कराते हैं तब उनके अंदर कोई कमी नहीं देखते कि वो कम एजुकेशन के हैं, उनको अच्छे से बोलना नहीं आता, उनको अच्छे से समझ नहीं है, वो दिखने में सुंदर नहीं है। तो उस समय तो हमको लगता है कि बस ज्वाइन कराओ, ज्वाइन कराओ, ज्वाइन कराओ। लेकिन जैसे ही हम काम करना शुरू करते हैं, एक समय के बाद, एक सर्टेन टीम बनने के बाद, उनसे हमारी टकराहट होना शुरू हो जाती है, विचारों को लेके हमारी ऊर्जा टकराहट करती है, एनर्जी मैच करती नहीं है, मुश्किल होना शुरू हो जाती है। तो ये केवल और केवल इसी के वजह से, एकमात्र ग्रेटिट्यूड की कमी की वजह से। तो हम देखते हैं, जब हम शुरुआत में जब अकेले थे तो हमें दो लोगों की ज़रूरत थी राइट और लेफ्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो उनका धन्यवाद जिनकी वजह से मेरा जो जीरो था, निल था, उसको उन्होंने कंप्लीट किया। हमारी टीम धीरे धीरे 50 की बनी, तो उनका धन्यवाद सभी का जिनकी मदद की वजह से शुरुआती दिनों में मुझे चेक मिले। शुरुआती दिनों में मेरी जो रिकॉग्निशन लेवल था सिल्वर का, वो मेरा पूरा हुआ। उन सब लोगों का धन्यवाद जिनका साथ मुझे मिला। उनमें से बहुत सारे लोगों ने काम नहीं किया या नहीं कर रहे, तो उनका भी धन्यवाद, क्योंकि वो ना आते तो मैं सिल्वर में नहीं बन पाता। गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना, एमराल्ड बनने वाला हूँ या डायमंड बनने जा रहा हूँ या रूबी बनने वाला हूँ, तो उन सभी का भी धन्यवाद
जो काम नहीं किया लेकिन हमारे साथ में आए, उनकी काउंटिंग मिली तो उनका भी धन्यवाद, एहसानमंद होना है। और साथ ही साथ उनका भी, जिन जो हाँ आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, आपके साथी, आपकी टीम के दमदार लीडर्स, दमदार कमांडोज, अगर कोई टकराहट होती है, अगर थोड़ा सा कम सम्मान देते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? आज नहीं तो कल जब हम सही हैं तो उनके साथ हमारी एनर्जी मैच जरूर करेगी ही करेगी। तो धन्यवाद का भाव उनके प्रति भी रखें, क्योंकि वो ना होते तो आप ना होते, इस बिजनेस में आपका ओहदा ना होता। तो उनके प्रति भी हम सम्मान और ग्रेटफुल होने का भाव रखना है। कहते हैं कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, कोई भी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता, कुछ जानता है लेकिन सब कुछ नहीं जानता। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें इस लायक बनाया, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ग्रेट डायरेक्टर्स के प्रति हम आभारी हों। सिस्टम जिसने हमें एजुकेट करना सिखाया, जिसने बारीकियां बताई, जिसने समय पर टूल्स दिए, हमारे अचीवर्स जो हमारे अपलाइन में नहीं है और डाउनलाइन में नहीं है लेकिन उन्होंने अचीवमेंट लेके दिखाए, कोई प्रीमियम कारों में चलते हैं तो उनसे हमारा विश्वास बना, कुछ लोग डायमंड बन के दिखाया हर फील्ड से, आर्मी फील्ड से, मेडिकल फील्ड से, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, हर तरह के बिजनेसमैन और पुलिस डिपार्टमेंट से, हर तरह के फोर्स से, हर तरह के लोगों ने बन के दिखाया जिनसे हमारा विश्वास बना। तो उनके लिए भी ब्लेसिंग्स और ग्रेटफुल होने का भाव। साथ ही साथ ऐसे लोग जो बिजनेस को दिलदारी से करते हैं और जाने अनजाने में कुछ लोगों का हमें सपोर्ट मिलता है प्रत्यक्ष रूप से और कुछ लोगों को हमें मिलता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप से कुछ लोग हमें आमने सामने दिखाई देते हैं हमारे अपलाइन के रूप में और हमारे टीम लीडर्स के रूप में, लेकिन कुछ लोगों का हमें इनडायरेक्टली भी सहयोग मिलता है। तो उनके प्रति हमें कृतज्ञता का भाव जो लोग रखते हैं वो लोग बहुत जीवन में आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण भी है, किसी गांव में एक नौजवान रहता था, बहुत पढ़ा लिखा था लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही थी, परेशान था रोजगार के लिए। तो रोजगार ढूंढते 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 पास में पहुंच गया, शहर में, पास के शहर में जाकर के और एक दुकान के मालिक के पास जाके सेठ जी से विनती करने लगा कि कोई उनके लायक काम हो तो काम दे दें। सेठ जी अनुभवी थे, उन्होंने देखा पहचाना कि लड़का दमदार लगता है, पढ़ा लिखा लगता है, होनहार लगता है, अपने अनुभव के आधार पर उसको नौकरी दे दी। तो लड़का बहुत ही होनहार भी निकला, भी मन लगा के काम करने लगा। धीरे धीरे सेठ जो थे उसके व्यवहार से बहुत खुश हुए और कुछ समय के बाद उसको तरक्की भी दी, उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी और धीमे धीमे करके उसी सेठ के यहाँ वो भटकने वाला लड़का मुनीम बन गया। सेठ जी ने एक बात नोटिस करना शुरू किया कि जिस लड़के को मुनीम बनाया था वो हर रोज दोपहर को अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिया करता कुछ समय के लिए। तो सेठ के मन में विचार आया, कहीं ये चोरी तो नहीं करता है, आखिर दरवाजा बंद क्यों करता है? तो उन्होंने चोरी छुपे उसके ऊपर निगाह रखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वक्त फिसलता गया। कुछ समय के बाद उनको शक जो था वो संदेह बढ़ता ही गया और एक दिन उसने सचमुच में, जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, उसके कमरे को जोर जोर से पीटा और दरवाजे खुलवाए। तो सेठ ने देखा कि जो नौजवान मुनीम था, अपना एक छोटा सा संदूक था, उस संदूक को खोल करके और उसके हाथ में दो जोड़ी कपड़े थे मैले कुचैले से, उनको हाथ में लेके खड़ा हुआ था। सेठ ने देखा ये क्या है? तो मुनीम बोला कि सेठ जी, जब मैं आपके यहाँ आया था तो ये जोड़ी कपड़े पहन के आया था, इन मैले कुचैले कपड़ों को देख करके मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं, अपना सही समय याद आता है और आज आपकी कृपा से मैं किस हालत में था, आपकी कृपा की वजह से आज मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छी ज़िंदगी जीता हूँ, तो कहीं मैं भूल ना जाऊँ इसलिए ये कपड़ों को मैं बार बार हर रोज़ देखता हूँ ताकि मुझे याद आता रहे कि मेरे कैसे दिन थे और आज मैं कैसे दिन जी रहा हूँ। इसके प्रति मुझे इनको देख करके बार बार आपकी दया की याद आती है कि आपकी कृपा कितनी कृपा है मेरे ऊपर। तो ये उदाहरण भी हमें बतलाता है कृतज्ञता का महत्व। तो चलिए आज से हर एक के प्रति ग्रेटफुल होना शुरू करते हैं, ग्रेटिट्यूड का भाव प्रकट करना शुरू करते हैं।
हरेक के प्रति, परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति, यूनिवर्सल डिवाइन पावर के प्रति, अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रेट शेप्स ऑफ के प्रति, हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स के प्रति, अपने सिस्टम के प्रति, अपनी ग्रेट टीम के प्रति, अपने साथी जिनके साथ आप रह के काम करते हैं, वो अप्लायंस चाहे तो सिल्वर ही क्यों ना हो, चाहे गोल्ड लेवल पर ही क्यों ना हो सकता है आपके अप्लायंस आपके रिकॉग्निशन लेवल से पीछे भी रह गए हों। आप गोल्ड हों, आपके अप्लायंस सिल्वर ही हों, आप पर्ल हों, आपके अप्लायंस हो सकता है पर्ल ही क्यों ना हो, आप डायमंड बन गए हों, हो सकता है वो रूबी ही हों, लेकिन है तो आपके अप्लाई नहीं। और ये बिजनेस तो दो लेग पे चलता है, तो कभी किसी की लेग कोई लंबी चल जाती है तो कोई छोटी हो जाती है, तो कभी कोई छोटी हो जाती है तो कोई लंबी हो जाती है। फर्क क्या पड़ता है उससे हमारे ग्रेटफुल होने के एहसास में, उसमें क्यों लंबा और छोटा हो। लेग लंबी छोटी है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे भाव तो लंबा और छोटा ना हो। दूसरा, जिनके साथ हमने काम किया तो उसमें बदलाव होने की जरूरत ही क्या है। दूसरा, हमारे साथी, तो इन सबके लिए दुआ प्रकट करते हुए हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाना है। हमें शानदार ज़िंदगी मिली है और शानदार बनाना है। इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से लाखों की टीम हम जरूर बना पाएंगे। हमने सुना है कि बहुत सारी कंपनियों में बहुत सारा टकराहट की वजह से बहुत सारे लीडर्स टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, बिखर जाते हैं। बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की बदलत मतलब ख़त्म नहीं होती, नहीं टूटती, बल्कि उनके जो लीडर्स हैं उनकी ईगो की टकराहट की वजह से आपस में वो टूट जाते हैं, बड़े बड़े नेटवर्क बिखर जाते हैं, बड़ी बड़ी टीमें टूट जाती हैं। क्योंकि जैसे जैसे पैसे आना शुरू होते हैं, आपका ओहदा बढ़ना शुरू होता है, तो हमारी अपेक्षाएँ और आकांक्षाएँ भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। पैसे के साथ साथ, लेवल के साथ साथ, टीम के साथ साथ, सिर्फ टीम नहीं बढ़ती, चेक का साइज आता है। तो जब जैसे जैसे चेक बड़ा होता आएगा, उसके संग ईगो भी आती है, ईगो दिखाई नहीं देती, हर चेक के अंदर ईगो छिपी रहती है। तो वो आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो फिर हम टीम से, जिनके साथ पहले हम भागते थे बाइक पर, फील्ड में, ग्राउंड पर, तो थोड़ा सा लेवल बना, टीम बनी, रिकॉग्निशन लेवल बना, तो फिर क्या होता है, उनसे हम उम्मीदें करते हैं कि ये अदब से पेश आएं, ये हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करें, बहुत अदब से पेश आएं। ये उनका कर्म है, वो कैसे पेश आते हैं और हम कैसे पेश आते हैं, ये हमारा कर्म है। तो उनके अंदर समझदारी कम है तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे अंदर तो समझदारी ज़्यादा है और उतनी है जितनी होनी चाहिए। इसलिए अदब से पेश अगर आने की ज़रूरत है तो हम अपनी तरफ से शुरुआत करेंगे, अपनी तरफ से पहल करेंगे। जिनको 10, 20, 50, 100, 500, 1000 की टीम बनानी है, कोई बात नहीं, वो कैसे भी कर सकते हैं अपने तरीके से। जिनको डायमंड तक जाना है उनको इनको प्रयास करना है, इन सब चीज़ों के अंदर अपने गुणों में इसको विकसित करना है, अपने स्वभाव में, अपनी हैबिट में इसको विकसित करना है। हम अपने अप्लायनों को देखते हैं तो उनके अंदर ये सारे जो दिव्य गुण हैं, एथिक्स के गुण हैं, उनके अंदर दिखाई देते हैं, वो इन पर चलते हैं। तो वो हैं तो साधारण ही, लेकिन इस बिजनेस में अपने स्वभाव की बदौलत और लोगों के साथ उनका व्यवहार की बदौलत वो अब साधारण नहीं बल्कि असाधारण बन चुके हैं। तो उन्हीं के जनरेशन में हम लोग हैं, तो उनकी जनरेशन हमें काम करके हमें भी दिव्यता के गुणों को विकसित करना है। और अपने लिए जो हमने सपना देखा है लाखों की टीम बनाने का, आपकी टीम में कई सारे डायमंड बनने का, वो सपना तो जरूर पूरा होगा ही, क्योंकि एक अच्छी टीम बनाना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छा व्यक्ति बनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक अच्छा ओहदा पाना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा व्यक्तित्व विकसित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण भी है। एक अच्छी प्रीमियम कार लेना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके साथ साथ एक अपना प्रीमियम व्यक्तित्व का निर्माण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक अच्छी टीम तो बनाएंगे हम, लेकिन अच्छी टीम बनाने के साथ साथ उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम टीम तो बना पाए, डायमंड तो बन पाए या बना पाए, आप डायमंड बन भी गए, लेकिन किसी के साथ आपकी बनती ही नहीं है, आपके व्यवहार किसी के साथ अच्छे नहीं है, ना अपलाइन के साथ, ना टीम के साथ, तो सिर्फ पैसा आपने कमाया, सक्सेस नहीं हुए, सफल नहीं हुए। क्योंकि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता, सफलता का अर्थ पैसे के साथ साथ सम्मान भी होता है। तो
समय और पैसा दोनों ही, तो समृद्धि तभी मिलेगी। सिर्फ पैसे से समृद्धि नहीं है, समय रहते हुए हमने पैसे के साथ साथ, यानी समय को समझते हुए हमने पैसे के साथ साथ अगर सम्मान भी कमाया तो हम समृद्धि के हकदार बनेंगे। तो आप जो भी बने, आप लेवल कोई सा भी हासिल करें, लेकिन उस लेवल को हासिल करने के बाद आपकी देखें कितने लोगों के साथ आपका व्यवहार अच्छा है, टीम में, अपलायनों में, टीम में आपके साथियों के साथ कितने लोग आपको पसंद करते हैं। क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि एक व्यक्ति जिसके रिलेशन, यदि तीन ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपकी नहीं बनती, तो हो सकता है उन तीनों की गलती होगी, लेकिन 10 लोग हैं और 10 के साथ आपकी नहीं बनती तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। कहीं ना कहीं हमें विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार विकसित करने के लिए, एक टीम को एक स्ट्रांग टीम बनाने के लिए, टीम में बहुत सारा प्यार बिखराव करने के लिए, दूसरों की केयर, दूसरों के प्रति केयरफुल होने का जो नज़रिया विकसित करने के लिए, एटीट्यूड डेवलप करने के लिए, हमें कृतज्ञ होने का भाव प्रकट करना है और अपने अंदर इसको विकसित करना है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, एक बहुत अच्छा सपना लेके काम कर रहे हैं, बहुत मेहनती भी हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, आपके ड्रीम बहुत बड़े हैं, आपके कमिटमेंट भी बहुत बड़े हैं, आप सेक्रीफाइस भी करते हैं, कोई भी कीमत भी चुकाने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ ही साथ इन सब गुणों के विकसित होने के साथ साथ एक छोटी सी चीज़ है, वो है कृतज्ञता का भाव, ग्रेटफुल होने का भाव इस प्रकृति के लिए। कभी भी इस प्रकृति को अपने विरोध में मत लाइए। कभी ये नहीं कहना कि मैं ये सब कुछ करके दिखाऊंगा, मुझे ऐसा करने के लिए, मुझे डायमंड बनने के लिए, मुझे दुनिया में कोई भी अचीवमेंट लेने के लिए दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो प्रकृति को अपने विरोध में नहीं करना, प्रकृति को कभी चैलेंज नहीं करना है, किसी को चैलेंज नहीं करना है कि मुझे, मैं अपनी माँ का लाल हूँ, कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकता, कोई मुझे रोक नहीं सकता। किसी को भी अपने प्रति विरोध में खड़ा नहीं करना, विरुद्ध नहीं करना, चैलेंज नहीं करना, बल्कि इसकी बजाय बोलना है कि मैं अपने सपनों के प्रति कमिटेड हूँ, सभी मेरे फेवर में हैं, मैं अपने अचीवमेंट को लेने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, कमिटेड हूँ, और ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति मेरे फेवर में है। हमेशा ऐसा ही बोलना है, सभी मेरे फेवर में हैं, मैं इस प्रकृति की मदद से, डिवाइन पावर और डिवाइन ऊर्जा की मदद से, मैं अपने सभी सपनों को पूरा करने के लिए कमिटेड हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। तो मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए, उज्ज्वल और एक शानदार ड्रीम टीम बनाने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।